नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। जिया सर, आई लव यू फॉर चूजिंग मी। आई नो इट्स अ बिग टास्क फॉर मी। हम एक्टर बड़ी मेहनत करते हैं। इट्स बीन लाइक 6-7 इयर्स, वी ऑल आर वर्किंग हार्ड। यहां पे कितने सारे होंगे, वी ऑल आर बिलोंग टू दिस क्रिएटिव फील्ड। कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई एक्टर है, कोई टेक्नीशियन है। एवरी डे वी वर्क हार्ड। एवरी डे हम अपने घर छोड़ के निकलते हैं। घर छोड़ के इस कहते हैं सो कॉल्ड लाइक माया नगरी में माया हुए। फॉर वॉट अपनी जिंदगी बनाने। और जब हम जैसे एक्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स राइट नाउ हाउ ग्रेटफुल आई एम राइट नाउ टू यू एंड टू एवरीवन आउट हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू गाइस। प्यार हो गया। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ आपको आने के लिए, और मैं बहुत ब्लेस देता हूँ हमारे एक्टर और एक्ट्रेस को, हमारे डायरेक्टर साहब श्री जिया शाह खान और हमारे दूसरे भी जो भी आर्टिस्ट है सब आने के लिए। मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ, ठीक है जी। और हम चाहते हैं कि हमारी मूवी जो है वो अच्छी बने। सब टैलेंटेड आर्टिस्ट है, सबको बहुत बहुत एक्सपीरियंस है, तो हम चाहते हैं कि हमारी मूवी बहुत अच्छी बने। आज जो हिसाब से देख रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये खूबसूरत फिल्म बनाऊँ। कहते हैं कि प्यार जो है, जितने भी हमारे इमोशंस हैं, इसमें सबसे खूबसूरत इमोशन प्यार होता है। और आज जो वक्त चल रहा है, जहाँ की एक तरह से नफरतों का बाजार लगा हुआ है, उस वक्त में हम एक खूबसूरत सी फिल्म बना पाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार हो, तो हमें लगता है कि हम बादल से कुछ चंद बूंदे उन नफरत के जो आग लगे हुए हैं उससे पड़े और आग का एक छोटा सा हिस्सा भी बुझ जाए उस प्यार के चंद बूंदों से, तो हम लगेंगे कि हमने एक खूबसूरत सी फिल्म बनाई जो चंद लोगों के दिलों में। इतना कुछ ये लड़की बोल चुकी है, इतनी प्यारी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। बिकॉज देयर लॉट ऑफ यंग पीपल वाज एस्पायरिंग टू गेट समवेयर, लाइक ज़रीना जी ने जो मुकाम पाया है, वैसे हम लोग सब एस्पायर करते हैं टू बी बेटर एक्टर्स लाइक हर। सो द जर्नी इज ऑन, द स्ट्रगल इज ऑन, द वर्क इज ऑन, एंड आई एम होपिंग कि हम सब किसी हद तक कुछ मुकाम तक पहुँच पाए कि हमारा काम देख के लोग खुश हों और एंटरटेन हों। एंड थैंक यू एवरीबडी, एंड थैंक यू थिंकिंग ऑफ मी। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप सब आए हैं, डायरेक्टर साहब को और प्रोड्यूसर साहब को इंकरेज करने के लिए और आर्टिस्टों को इंकरेज करने के लिए। और आप लोग जब तक इंकरेज करते रहेंगे, हम लोगों को काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा। मुझे लगता है ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। मैंने वन लाइन स्टोरी सुनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी जो भी थैंक यू, तो जब भी फिल्म बन जाएगी तो इंशाल्लाह हम सब आपको दिखाएंगे। बस प्रे कीजिए कि अच्छी बने, और हम सबको आप लोगों का, उम्र में छोटे हैं लेकिन छोटे लोगों की दुआ ज़्यादा लगती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब दुआ करो कि फिल्म अच्छी बने, क्योंकि फिल्म आजकल सब लोग कहते हैं कि अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं, लेकिन जब बनती हैं तो लोग देखने नहीं आते हैं, देखने नहीं जाते हैं। लेकिन इसलिए हम लोग इस फिल्म को बहुत अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी बनेगी। पार्टी में आया था, पार्टी में मिली प्यारी छोरे, शराब पिए, रात भर पार्टी चली, फिर पुलिस आई, आंटी ने बुलाया, हमने जेल में आया, हम छूट गए, हम वापस आए, आज पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, रात भर पार्टी चलेगी, सुबह भी पार्टी चलेगी, इस तरह के बात देखा। ये सब चलते रहता है। ओ यो यो हनी सिंह एक दिन कहीं पी के टाइल घूम रहा था, चार बोतल मोड़ का काम मेरा रोज का, ट्रैफिक हवादार ने देख लिया, बोले बाहर मोड़ का काम रोज का, अब चलो पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक। अपना यो यो हनी सिंह समझ गया कि महाराष्ट्र का हवादार है, ट्रैफिक हवादार है, ईमानदार है, रिश्वत तो लेगा नहीं, तो अपने स्टाइल में पटाने की कोशिश कर रहा है। यार मेरा हवादार जो है सुपरस्टार,
तू है पुत महाराष्ट्र का जैसे तलवार। चाहता क्या है, चाहता क्या है? छड़ते 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 क्या करेगा थाने जाके यही कुछ लेके देके छड़ते। अब प्यार तो होना ही था इस फिल्म के लिए। शुभकामना देने के लिए जैसे यहाँ पर बॉलीवुड के सुपरस्टार आए हुए हैं, तो चाहे लगा और आए हुए तो कैसे शुभकामना देंगे, कोशिश करूँ सुना दो। सुनेंगे आप लोग। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे कि मेरे दिमाग की दही मत करो, क्योंकि उसमें भी जीएसटी लग चुका है। The stars and really thank you so much. Thank you all. मुझे बहुत गर्व है कि मेरे को बहुत कर बहुत चीज़ें करने की बोल रहा हूँ मैं एट द मोमेंट, बट मैं सब को आश्वासन कर रहा हूँ कि दिस पिक्चर इज गोइंग टू बी आशिकी जो किया है वो उसको वैसे ही करेंगे एट द मोमेंट। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज जिया का और मैंने राजीव को बोला था कि मैं करूँगा, मैं नहीं बोलूँगा एट द मोमेंट, बट मैं जो कर जो जा रहा हूँ और आपके साथ मैं लंदन और मेलबर्न में करूँगा, दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक वर्क एंड इट्स वेरी, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जब ये बात ख़त्म होगी सो इट विल बी फैंटास्टिक वर्क एंड थैंक यू ऑल फॉर हेल्पिंग मी विद दिस। थैंक यू एंड आई विल टेल यू कि अब जब वापस आऊँगा सो आई वॉन्ट टू से समथिंग मच मोर। थैंक यू। आगे जाके ले लो। वो जैसा भी है तो मूवमेंट अभी करना पड़ेगा मेरे को, अभी मेरे को काफ़ी चीज़ें मेरे को अभी भी करना है, मेरे को अभी करना है। एंड लोग जो लोग मेरे को आदर करते हैं एट द मोमेंट, और लोग जो कर रहे हैं ये लोग जो हैं मेरे को करना है, तो डेफिनेटली मैं इनको इनको देना चाह रहा हूँ मैं। एंड थैंक यू क्योंकि जो लोग हैं जिनके जो वो कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको मैं भी ऐसे ही देना चाह रहा हूँ एट द मोमेंट, और मैं वैसे ही इसको देना चाह रहा हूँ। वो आपके साथ बोलेगा एट द मोमेंट, बट इट्स वेरी गुड कि मैं ऐसे प्यार को होना था। थैंक यू जस्ट टेल मी। ठीक है सर, व्हाट डू यू से अबाउट राहुल सर, यू नो बीइंग प्रोड्यूसर एक्टर तो इतने मशहूर हैं, एज अ प्रोड्यूसर क्या हमें बड़ी खूबसूरत सी फिल्म बनाने जा रहे हैं, और जो प्यार के बारे में कहते हैं कि सबसे खूबसूरत एहसास है प्यार, और 90s में
उनको प्यार के नाम से ही जाना जाता था, आशिकी ने लोगों को आशिकी करनी सिखा दी, तो इससे अच्छा प्रोड्यूसर नहीं हो सकता था इस फिल्म के लिए, जिस फिल्म का नाम है प्यार हो गया। जी जाना सर, आज का जो दौर है मतलब काफी सारे प्लेटफॉर्म है, कितना अच्छा दौर है खासकर आर्टिस्ट के लिए, कितना अच्छा मीडियम ग्रो हुआ है जब आपने शुरुआत की थी और आज के टाइम में कितना डिफरेंस बात है आप? बहुत फर्क है एक्चुअली, औरतों को टाइम नहीं, चांस ही मिलता था अच्छे रोल्स करने का। नाउ ऑन दी ओटीटी देयर इज लॉट ऑफ वर्क फॉर वुमेन, देयर इज वुमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स सब्जेक्ट्स दैट वेयर वुमेन आर द हीरोज, सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर एक्टर्स एक्चुअली। ये ओटीटी ने बहुत एक्टरों को काम भी दिया है और मुकाम भी, जो मतलब एक इंसान अच्छे अच्छा काम करना चाहता है उनको चांस भी मिलता है, तो इट्स अ ग्रेट टाइम, सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी अराउंड एज एन एक्टर। या इस सवाल के बारे में क्या कहना रिगार्डिंग द करंट सिनेरियो? यू आर आस्किंग हर व्हाट योर वर्क इज फ्रॉम स्काई टू अर्थ, कितने डिफरेंस बातें आज का जो माहौल है आर्टिस्ट के लिए, कितना ज्यादा सुनहरा माहौल है, काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। नहीं, आजकल जितनी भी फिल्में बन रही हैं, क्योंकि आजकल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा है, जितनी ज्यादा आर्टिस्ट हैं उतनी ज्यादा फिल्में बन रही हैं और सबके लिए तो सबको चांस मिलने का चांस है। पहले तो जैसे हम पूरा फिल्म इंस्टीट्यूट से आए थे, उस वक्त आए थे तो तीन चार लोगों को काम मिला, बाकी के लोगों को घर जाना पड़ा, लेकिन अगर ये उस वक्त होता तो वो लोग घर नहीं जाते थे, यहाँ काम कर सकते थे। आज सबके लिए काम है, बहुत ज़्यादा काम है, तो ये ओटीटी का प्लेटफॉर्म जो शुरू हुआ है मेरे ख्याल से न्यूकमर्स के लिए या हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इट्स रियली गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आजकल पीछे बड़ी बड़ी फिल्में कुछ बॉलीवुड की बिजनेस नहीं कर रही, आपने कंटेंट में कितना ध्यान दिया? कहते हैं कंटेंट अच्छा हो तो फिल्म चलती है, ऐसा कुछ होना? मैं शुरू से ही इस चीज़ में यकीन करता आया हूँ कि कंटेंट इज द किंग, और फिल्म मेकिंग का मेरा छोटा सा फलसफा है, जब छठी क्लास में था तो मैंने एक कविता पढ़ी थी कि माँ फिर क्या होगा इसके बाद, शशि से सुंदर रवि से उज्ज्वल बहू तुम्हारी घर आएगी, माँ फिर क्या होगा इसके बाद। अगर हमने ऑडियंस को इस सवाल के झमेले में अगर फंसा लिया और वे वो सवाल सोचता रहा इसके बाद क्या होगा, कहानियाँ तो वही हैं, अंदाजे बयां अलग अलग होती हैं, एक लव स्टोरी है, हमने इस तरह से बयां करने की कोशिश की है कि लोग हर बार पूछे माँ फिर क्या होगा इसके बाद। रिलीज कब तक करना चाहिए? फिल्म एक बार बन जाए फिर वक्त देख के, जब हमारी एक छोटी सी फिल्म को एक सही मकाम मिल पाए तो रिलीज करने की कोशिश करेंगे। एंड राहुल एंड आलिया, आप हाउ मच यू आर एक्साइटेड विद द प्रोजेक्ट कुछ कहिए। आलिया आप बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, व्हाट डू थिंक, आई मीन कितना कैपेबल होते हैं इन्फ्लुएंसर अच्छा एक्ट करने के लिए, आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज़ में? हम लोग जैसे रील्स बनाते हैं या टिकटॉक बनाते थे या कुछ भी करते थे, तो वो हम एक ऑडिशन की तैयारी करते हैं, फिर जब वो सक्सेसफुल होता है तो आज हम यहाँ पे खड़े होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैम आपसे चाहूंगा, कन्वर्ट इन टेलीविजन को एक बड़ा ब्रेक मिलना या एक ऐसा ब्रेक मिलना वो कितना जरूरी होता है ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने के हिसाब से? आई थिंक ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन, और मुझे लगता है सबका डेस्टिनेशन यही होता है कि फिल्म करें। सो आई थिंक मैंने जब टी वी भी किया, मैंने एक ही डेली सोप बड़े अच्छे लगते हैं किया, तो उस वक्त मैंने दिमाग में रखा था कि मैं फिल्म वाली एक्टिंग ही करूँगी, टी वी वाली एक्टिंग नहीं करूँगी। सो आई ऑलवेज मेंटेन दैट थिन लाइन बिकॉज अल्टीमेटली शायद मुझे ये फिल्म करनी थी, दैट्स व्हाई आई एम हियर। जब भी कोई इंडस्ट्री में आता है कितना गुड लुक्स मैटर करता है, वो कितना प्लस मानते हैं अपने आप को भी? सर गुड लुकिंग तो सर अब क्या बोलूं, खानदानी है रूमी अंकल इज हियर, आई एम सो हैप्पी रूमी अंकल यू मेड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, गिव इट अप फॉर रूमी अंकल, ही इज द ग्रेट डायरेक्टर राइटर ऑफ अवर फिल्म इंडस्ट्री, रूमी जाफरी इज हियर, सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप आए
और सर लुक्स तो अपनी तरफ है सर, लुक्स से अगर काम मिलता तो और खूबसूरत लड़का आज हीरो होता और शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार नहीं होता। अरे सो मुश्ताक सर इज गुड। तो सर मैं ये बात हूँ, मेहनत और टैलेंट इज लाइक सबसे पहले आता है, आपका काम देखा जाता है, बी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कि आप एक्टिंग कितनी अच्छी करते हैं, आप सच्चे कितने अपने काम को लेके आई थिंक लुक्स ये सब अब सेकेंडरी है आज के टाइम में। मेरे जो आइडल्स हैं वो राजकुमार राव हैं, बीट अ डिसेंट लुकिंग गाय डूइंग सच गुड फिल्म्स इन द इंडस्ट्री, सो मैं उन लोगों को देखता हूँ, शाहरुख खान राजकुमार। फॉर मी इट्स लाइक वर्क हार्ड एंड जस्ट बी पेशेंट एंड जस्ट कीप वर्किंग। थैंक यू। Manjana from Film India. I have a question for the director. Sir, in romantic pictures, to love stories तो बहुत आई हैं. So sir, क्या different है आपकी इस story में? जो connect होगी audience से? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्यार जो है मतलब सबसे खूबसूरत एहसास है, चाहे वो माँ बेटे के बीच हो, husband wife के बीच हो, प्रेमी प्रेमिका के बीच हो, और प्यार का कभी वक्त खत्म नहीं होता, चाहे वो 70 का दशक हो, 90 का हो, 80 का हो, या 2022 हो, या आने वाला कल हो, प्यार तो रहेगा ही। और प्यार के इसी अंदाज को हमने एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। अगर हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो कहानी अभी ही रिवील हो जाएगी, जो हम करना नहीं चाहते। लेकिन ये भी प्यार का एक बहुत अच्छा मतलब अगर ऊपर वाले की मेहनत रही तो ये फिल्म DDLJ के बाद एक उसी अंदाज की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म होगी। राहुल सर के बाद धन्यवाद, एंड पहले तो शुभकामनाएं पूरी कास्ट को एंड डायरेक्टर सर को। सो जिया सर और मेरा बहुत पुराना नाता है, एंड जब मैंने फर्स्ट म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किया था जब से मैं उनसे टिप्स लेते आया हूँ, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी मूवी जाएगी, बहुत अच्छे से डायरेक्ट होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब राहुल जी के बारे में तो मेरे पे ऑलरेडी प्रेशर है कि मुझे अच्छा म्यूजिक देना है, क्योंकि प्रोडक्शन नाम इतना बड़ा है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। वक्त के साथ साथ हर चीज़ में बदलाव है, वो तो आप जानती हैं, प्यार करने का तरीका भी अलग हो गया है, फिल्में बनाने का तरीका भी अलग हो गया। उस ज़माने में जब हम काम करते थे वहाँ पे ज़्यादा हीरो हीरो को टच करने की ज़रूरत भी नहीं होती थी, लेकिन उस तरह से गाने हमारे गुजराज होते थे और लोगों को बहुत अच्छा भी लगता था, और उस वक्त के जो भी ऑडियंस थे उनका जहन उस तरफ था। आजकल के बच्चे बहुत फॉरवर्ड हो गए, तो उनको जहन में रखते हुए फिल्में बनानी पड़ती हैं, गाने बनाने पड़ते हैं। सो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, टाइम के साथ साथ हर चीज़ बदल रहा है। शुक्रिया। जिसके गाने इतने ज़बरदस्त हिट हुए थे कि 10 के 10 गाने ज़बरदस्त हिट हुए थे। अब आज के हालात बदल गए हैं, आजकल मोबाइल आ गया है, ऑनलाइन प्यार हो रहा है। हमने तो प्यार करवाया है, ये इन्होंने प्यार किया है। हम चिट्ठी लेके जाया करते थे हॉस्टल गर्ल हॉस्टल इनकी, और ये इलेक्ट्रिक बिल में आई लव यू और जो भी बातें हैं वो लिख करके देते थे, क्योंकि मैं मास्टर का रोल किया था तो मैं बच्चों के कपड़े डिज़ाइन करने उनका नाप लेने जाता था, और नाप लेते लेते बोलता था चिट्ठी सरका देता था उसने दिया बच्चा अच्छा है, मैं उसको अच्छी तरह जानता था। प्यार में पागल हो गया, कुछ देखो उसका कुछ नहीं तो पागल हो जाएगा। तो इस तरह का प्यार, इस तरह का आशिक, तो ये प्यार तो चलता ही रहेगा। इसके बताने के, इनके दर्शाने के, करने के रंग ढंग अलग होते रहेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, और मैं राजेश जी का, जय जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस फिल्म में मुझे अपना हिस्सा मिले। थैंक यू।